हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू टुडे सेशन। तो इस वीक की हमारी ये जो सीरीज है लीनियर अलजेब्रा को लेके, उसका आज का पहला लेक्चर है। एंड आज के सेशन में गाइस, हम हमारे बेसिक लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, वेक्टर स्पेस है, डायमेंशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले। तो हम जो एग्ज़ाम गाइस टारगेट कर रहे हैं, वो जो अपकमिंग हमारी RPSC की एग्ज़ाम है रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे एग्जाम में आए हुए हैं, तो उनके ही सिमिलर क्वेश्चंस किस तरीके से हो सकते हैं, तो एक काइंड ऑफ ए प्रैक्टिस सीरीज रहेगी आपकी अपकमिंग RPSC एग्जाम को टारगेट करते हुए। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो गाइस हमारा RPSC का एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आपको एक बूस्ट चाहिए, आपको एक पर्टिकुलर वे में अच्छे तरीके से कैटेगराइज करा हुआ रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, विजिट अवर ऑफिशियल वेबसाइट IFS.com एंड फ्रॉम देयर यू कैन बाय अवर दिस एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स। अब करंटली का 30% ऑफ चालू है, IFS30 प्रोमो कोड आपको यूज़ करना है एंड उसको यूज़ करके आपको जो हमारा रिकॉर्डेड कोर्स है वो 30% ऑफ के साथ मिल जाएगा। ठीक, सो इस रिकॉर्डेड कोर्स की जो बाकी के गाइस चीज़ें हैं वो हम आने वाले जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल बहुत बेसिक सवाल है वेक्टर स्पेस को लेके, उसके डायमेंशन को लेके, उसकी कार्डिनलिटी को लेके। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर Z5 ऑफ डायमेंशन 3। तो जब भी हम गाइस वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, जब भी हम यहाँ पे देखो गाइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन में जो जो टर्म्स आने वाले हमारे, उन टर्म्स को हम एक बार रिकैप करेंगे, उनके कंसेप्ट समझ लेंगे एंड देन हम क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर Z5। जब भी हम वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड हमेशा रहता है। जब भी वो फील्ड काफ़ी ऑब्वियस है क्या रहेगा डिस्कशन में, तो हम ऐसा नहीं लिखते कि ओवर किस फील्ड में है, लाइक मोस्टली R रहता है, C रहता है। अगर एम्बिग्यूटी है तो हम स्पेसिफाई करते हैं वहाँ पे कि हमारा फील्ड क्या है। तो यहाँ पे उन्होंने जो फील्ड दिया है वो Z5 है। वी नो फॉर एनी प्राइम पी Z पे हमारा फील्ड बन जाता है। सो लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर Z5 ऑफ डायमेंशन 3। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर स्पेस है, किस फील्ड के ऊपर है वो दिया है, उसकी डायमेंशन भी दी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी इज, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है। मतलब वेक्टर स्पेस ये जो गाइस हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। एक हमारा अबेलियन ग्रुप है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम वेक्टर्स कहते हैं एंड वेक्टर स्पेस ओवर हम फील्ड कहते हैं। तो देर इज वन फील्ड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर एंड ये दोनों चीजें कनेक्ट कैसी होती है, सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अगेन कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ पे जब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वी पूछते हैं, तो बेसिकली ये जो हमारे वेक्टर्स है, ये जो अबेलियन ग्रुप है, उसकी ऑर्डर, उसकी कार्डिनलिटी कितनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करना। सो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं। पहली चीज हमें यहाँ पे डायमेंशन दी है 3 है, इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस का हमने कोई भी बेसिस लिया तो उसमें हमें 3 एलिमेंट्स मिलेंगे, बिकॉज डायमेंशन इज वॉट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ बेसिस। बेसिस ऑफ कोई भी सिलेक्ट कर लो, ऐसा होगा कि कभी कि एक बेसिस में कम एलिमेंट्स है, एक में ज़्यादा है, नहीं। वी एक्चुअली प्रूव दिस इज अ वेरी गुड रिजल्ट कि कोई भी बेसिस में एलिमेंट्स कितने रहेंगे हमारे, सेम रहेंगे, हर एक बेसिस की कार्डिनलिटी सेम है एंड वहाँ से फिर हम जो डायमेंशन का जो नोशन है वो अटैच करते हैं वेक्टर स्पेस को। तो यहाँ पे डायमेंशन 3 है, तो लेट्स से अज्यूम करते हैं कि जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं बेसिस के, कोई भी एक बेसिस के, वो V1, V2 एंड V3 है। अब इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फार्मूला भी हमारे पास कि अगर हमें डायमेंशन पता है, फील्ड पता है, फाइनाइट है, देन वेक्टर में कितने वेक्टर्स रहेंगे बेसिकली वेक्टर स्पेस में। बट लेट्स जस्ट टेक द जनरलाइज्ड, दैट वो जो फार्मूला कैसे बनेगा वो भी आपको आइडिया जाएगी। 3 वेक्टर्स है यहाँ पे जो हमारे बेसिस में से हमने लिए हैं। अब बेसिस का क्या होता है कि बेसिस का हमने अगर स्पैन लिया तो पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस हमें मिल जाएगा। स्पैन इज व्हाट, बेसिकली द ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशंस के लिए जो स्केलर्स रहेंगे वो कहाँ से आएंगे, हमारे फील्ड से आएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा, α1v1 प्लस α2v2 प्लस α3v3 प्लस α1 α2 α3, ये हमारे क्या है, स्केलर्स है।
एंड ये स्केलर वाइज कुछ भी हो सकते हैं। एंड फॉर ईच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट ऑफ स्केलर हमें डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट वेक्टर्स मिलते जाएंगे, बिकॉज ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है वो यूनिक रहता है किसी भी वेक्टर का बेसिस के टर्म्स में। तो जितने अलग अलग तरीके से अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये जो ट्रिपलेट है हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उतने ही अलग अलग हमारे पास वेक्टर्स निकल के आएंगे। अब हर एक अल्फाई के लिए हमारे पास अगर चॉइसेस देखो कितने, जेड फाइव हमारा फील्ड है, स्केलर फील्ड में से आएंगे, तो जेड फाइव की कार्डिनलिटी फाइव है, यानी कि हर एक यहाँ पे हमें स्केलर के लिए फाइव चॉइसेस है, फाइव इंटू फाइव, तो टोटल 125 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ट्रिपलेट अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री विल लीड टू 125 डिफरेंट वेक्टर्स, एंड दीज आर ऑल द वेक्टर्स। वाई? बिकॉज हमने यहाँ पे बेसिस का स्पैन लिया है, तो पूरा वेक्टर स्पेस हमारा क्या हो गया है, कवर्ड हो गया। तो इसके अलावा कोई एलिमेंट अभी नहीं बचा है। तो कितने एलिमेंट्स मिले, 125, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब इसी चीज को हम जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, और सिंपल जनरलाइजेशन, लेट्स से हमारे पास कोई एक फील्ड है उसकी कार्डिनलिटी क्यू है, एंड जो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है वो कितनी है हमारी, एन है। वेक्टर स्पेस की डायमेंशन एन है, तो देयर विल बी एन बेसिस वेक्टर्स v1 v2 vn, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए भी अब चॉइसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट एन स्केलर्स अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, फॉर ईच स्केलर वी हैव क्यू चॉइसेस, तो क्यू टाइम्स क्यू टाइम्स क्यू, हाउ मेनी टाइम्स, एन टाइम्स। सो यहाँ पे जो वी के कार्डिनलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, क्यू पावर एन रहेगी। दिस इज द जनरलाइज रिजल्ट, इसको भी ध्यान रखना, एंड ऐसे कुछ बहुत ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिंपल कॉम्बिनेटोरिक्स आर्ग्यूमेंट, वो भी अगर आपने लॉजिक यूज किया तो भी यहाँ पे आंसर आराम से। ठीक, एक चीज का ध्यान रखना, अगर फील्ड हमारा इन्फाइनाइट है, इन दैट केस हमारी वेक्टर स्पेस की जो कार्डिनलिटी रहेगी वो भी इन्फाइनाइट हो जाएगी, अनलेस वो जीरो वेक्टर स्पेस नहीं है तो सिर्फ जीरो रहेगा उसमें। लेकिन अगर जीरो वेक्टर स्पेस के अलावा कोई है उसमें, ठीक, नॉन जीरो एलिमेंट है, एंड हमारा फील्ड इन्फाइनाइट है, उसके पास इन्फाइनाइट एलिमेंट्स रहेंगे। ऑब्वियसली ऐसा कभी वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता, बिकॉज जो नॉन जीरो एलिमेंट है आपके वेक्टर का, उसको आप क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे जो इन्फाइनाइट फील्ड है तो उसके पास बेसिकली इन्फाइनाइट स्केलर्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अलग अलग वेक्टर्स बनते जाएंगे हमारे, राइट? तो अलग अलग वेक्टर्स अगर इन्फाइनाइट स्केलर्स है तो करस्पॉन्ड करेंगे इन्फाइनाइट वेक्टर्स को। सो अगर फील्ड इन्फाइनाइट है एंड वेक्टर स्पेस नॉन ट्रिवियल है, नॉन जीरो है, देन वेक्टर स्पेस के कार्डिनलिटी इन्फाइनाइट रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे कैसे था, डायमेंशन फाइनाइट थी, फील्ड भी फाइनाइट था, एंड दिस इज द ओनली सिनेरियो वेयर योर वेक्टर स्पेस विल बी फाइनाइट, डायमेंशन हैज टू बी फाइनाइट एंड फील्ड हैज टू बी फाइनाइट। अगर कोई भी चीज यहाँ पे इन्फाइनाइट हो गई देन वी हैव इन्फाइनाइट वेक्टर स्पेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगेन अ वेरी सिंपल रिलेटेड टू द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। कंसिडर द सबस्पेस डब्ल्यू, अब यहाँ पे उन्होंने आर 10 का एक सबसेट यहाँ पे इकट्ठा है, जो बेसिकली सबस्पेस बना रहा है, उन्होंने कहा यहाँ पे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कि आर 10 के उन टपल्स को कंसिडर किया है, दैट एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब हमारे जो यहाँ पे एन 10 कोऑर्डिनेट्स है आर 10, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन कैसे, फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि लेट्स से एक्स 3 विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस वन प्लस एक्स एन माइनस टू, मतलब उसके पीछे के जो दो टर्म्स है कोऑर्डिनेट्स है उनकी सम, तो एक्स 3 इज एक्स 1 प्लस एक्स 2, एक्स 4 इज एक्स 2 प्लस एक्स 3, एक्स 5 इज एक्स 3 प्लस एक्स 4, काइंड ऑफ फिबोनाची जो सिक्वेंस हमारा आगे बढ़ता है उसी तरीके से पहले दो अगर यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो इस W का जो हमारा टप्पल है वो पूरा का पूरा हमें पता चल जाएगा, राइट? देन द क्वेश्चन आस्क, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W? थोड़ा सोचिएगा इसके बारे में। जब भी हमें डायमेंशन फाइंड करनी है किसी भी सबस्पेस की, तो देखो कि उसके एलिमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें, मतलब एक जनरलाइज एलिमेंट ऐसे सोचो कि हमारे पास है, एंड देन वाइल फिलिंग आउट द एंट्रीज, मतलब वो मैट्रिक्स हो सकता है, ऐसे एन टपल हो सकता है या फिर एनी अदर थिंग, ट्राई टू फिल द एंट्रीज एंड थिंक कि कितने एंट्रीज यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, जो दूसरे एंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनको क्या करो गाइस, जो रिडंडेंट एंट्रीज है, मतलब वो एंट्री मुझे बाकी के एंट्रीज के टर्म्स में मिल गए रही है,
बाकी के ये एंट्रीज पता है, तो ये एंट्री तो मुझे ऐसे ही पता चल जाएगी, यानी कि वो डिपेंडेंट है, उसके पास खुद का ऐसा फ्री चॉइस नहीं है। जो एंट्रीज बाकी की रहेंगी उसका ही कुछ कॉम्बिनेशन करके उस एंट्री को बनना पड़ेगा, वो बेसिकली डिपेंडेंट है। तो उन एंट्रीज को हटाओ, तो जितने हमारे पास फिर इनडिपेंडेंट चॉइसेस बचेंगे, फ्री वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, वो हमें क्या बता देगा, सब स्पेस का डायमेंशन बता देगा। तो यहाँ पे थिंक अबाउट इट, R10 का मतलब कोई भी हमने लेट से टपल ले लिया, ठीक, जनरल लेते X1, X2, X3, X4 अप टू X10, लुक एट द गिवन कंडीशन केयरफुली। देखो X1 एंड X2 दे आर गाइज फ्री, इनके ऊपर कुछ कंडीशन है, बिकॉज वॉट एवर द कंडीशन दे हैव गिवन अस, द एन स्टार्ट्स फ्रॉम 3, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 10। सो एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो X3 इज इक्वल टू X1 प्लस X2, करेक्ट। सो अगर मुझे X1 पता है, X2 पता है, तो X3 हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, करेक्ट। अब X3 पता चल गया है, देन X4 इज X2 प्लस X3, वो भी ऑटोमेटिकली पता चल गया, एंड देन दिस कंटिन्यूस टिल X10, करेक्ट। सो हाउ मेनी फ्री वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंट्रीज वी हैव हेयर इन दिस सिनेरियो? वी हैव टू इंडिपेंडेंट एंट्रीज, दे आर X1 एंड X2। इन दो एंट्रीज को अगर आपने पता चल गया आपको, ठीक है, देन आप पूरा का पूरा जो हमारा 10 टपल है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे इस वेक्टर स्पेस की गाइस हमारी डायमेंशन क्या बन जाएगी, तो 2 बन जाएगी। अब और एक एक्स्ट्रा चीज, डायमेंशन तो चलो पता चल गई यहाँ पे हमें, सपोज कोई पूछ लेता आपको कि इस वेक्टर स्पेस का हमारा बेसिस क्या बन पाएगा, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे इस वेक्टर स्पेस का सपोज डायमेंशन 2 है, तो उसके बेसिस में हमारे कितने एलिमेंट्स रहेंगे? तो 2 एलिमेंट रहेंगे। सो कैन एनी वन टेल मी इसका बेसिस किस तरीके से दिखेगा? R10 के ही 2 एलिमेंट्स होने वाले हैं एंड वो बेसिस फॉर्म करेंगे। सो कैन यू गिव मी वन सच बेसिस? बेसिस नीड नॉट बी यूनिक, देर आर डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस फॉर बेसिस, बट गिव मी वन सच बेसिस, या फिर लेट्स ट्राई टू सी द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वन सच बेसिस वंस यू गेट टू नो वेयर आर द इंडिपेंडेंट एंट्रीज। तो ऐसे सिनारियों में गाइस क्या करो, जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि पहले जो 2 एंट्रीज है वो इंडिपेंडेंट है, सो व्हाट वी कैन डू, एक एंट्री पे 1 रखो, ठीक, एंड बाकी के जो जितने इंडिपेंडेंट एंट्रीज है उन पे 0 पुट करना, ठीक। अब यहाँ पे तो हमारे पास पहले 2 ही एंट्रीज इंडिपेंडेंट थे, मैं पहले एंट्री को 1 एंड जो सेकेंड एंट्री है उसको 0 लिख लेता, हो गया। अब इन दोनों का यूज करके मैं बाकी के सभी एंट्रीज बना सकता हूँ, लेट्स राइट देम आउट, लाइक 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, सो ऑन, जो 10 टपल बनेगा वो। नाउ सेकेंड बेसिस वेक्टर कैसे मिलेगा? नाउ मेक सम अदर इंडिपेंडेंट एंट्री एज 1 एंड ऑल अदर 0। अब यहाँ पे हमने पहले इसको 1 बनाया था, अब इसको 1 बनाते हैं, एंड इस एंट्री को हम गाइस 0 रखते हैं, एंड नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट द एंटायर टपल वंस अगेन। सो यहाँ पे 0 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 प्लस 3, एंड सो ऑन, तो ये भी कोई 10 टपल बनेगा, एंड दिस 2 वेक्टर्स टुगेदरली विल फॉर्म अ बेसिस फॉर अवर गिवन सब स्पेस W। सो रिमेम्बर दिस थिंग, दिस इज वेरी क्रूशियल। कभी कभी स्टूडेंट्स डायमेंशन तो बता देते हैं, दे गेट टू नो कि ओके इंडिपेंडेंट एंट्रीज कहाँ पे रहेगी, रिडंडेंट कौन सी है, बट अगर उनको बोला जाए कि फिर चलो डायमेंशन तो आ गया, अब इसका बेसिस बताओ क्या लगता है, दे गेट स्टक। बेसिस के लिए क्या आइडिया लगानी है, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट एंट्रीज है एक पोजिशन पे 1 पुट करना, बाकी सब जगह पे 0 रख लेना, एंड देन जो बाकी के डिपेंडेंट एंट्रीज है वो उसका यूज करके जो भी रिलेशन है आपके पास उनकी मदद से बना लेना, एंड दिस प्रोसेस यू हैव टू रिपीट अंटिल यू हैव फील्ड ऑल द इंडिपेंडेंट एंट्रीज बाय 1, ठीक, एक बार 1 बाकी के 0, फिर दूसरी 1 बाकी के 0, तीसरी 1 बाकी के 0, एंड सो ऑन, तो आपको n बेसिस वेक्टर्स वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, एज आई सेड टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड और लुक एट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू वेक्टर स्पेस, डायमेंशंस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो ऑन। जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, हम हायर जो हमारे टॉपिक्स है, डायगोनलाइजेशन है, जेसी फॉर्म्स है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स है, उनकी चर्चा करें, ठीक।
चलिए डब्ल्यू। अब यहाँ पे उन्होंने देखो एंड में पूछा है कि डायमेंशन क्या है डब्ल्यू की, तो बेसिकली ये सब स्पेस ही है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है। तो उन्होंने एक मैट्रिक्स है बी, उसको यहाँ पे फिक्स रखा है, ठीक। व्हाट इज दैट मैट्रिक्स? दैट इज अ 3x3 मैट्रिक्स, 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ठीक। नाउ लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डब्ल्यू कि उसमें एलिमेंट्स क्या है। व्हाट दे आर सेइंग इज कि पी इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, दिस इज एनी पॉलिनोमियल, ओके। टेक एनी रियल पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, कुछ मेंशन नहीं है डिग्री वगैरह, किसी भी डिग्री का हम कंसिडर कर सकते हैं। उस पॉलिनोमियल में बी को रखो तो कुछ अलग से हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक। एंड दैट्स वॉट पी बी इज, मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर इज वन पॉलिनोमियल, दैट्स पी, एंड वॉट विल बी पी ऑफ बी, विल बी पी क्यूब प्लस बी स्क्वेयर, ओके। सो एनी पॉलिनोमियल यू हैव पी 2x-1, वॉट विल बी पी ऑफ बी, ट्वाइस बी माइनस आई, फाइन। सो ऐसे रैंडम जितने पॉलिनोमियल का जो हमारा पूरा कलेक्शन है, सभी पॉलिनोमियल में बी को रखो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मैट्रिसेस मिलते जाएंगे, एंड उन सभी मैट्रिसेस का कलेक्शन हमने डब्ल्यू में किया, एंड ये एक सब स्पेस बनता है। एंड इस सब स्पेस की हमने कहा डायमेंशन पूछिए कि कितनी रहेगी। अब उस डायमेंशन को लेकर उन्होंने कुछ इनइक्वालिटीज दिए है कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू माइट बी टेम्पटेड टू सी कि इज दिस रियली अ सब स्पेस और नॉट, सो कंसिडर इट एज ए होमवर्क, इट्स वेरी ईजी। अब हमें जो अगर सब स्पेस शो करनी है तो यूजुअली हम क्या करते हैं, अब पहले तो ये सब स्पेस किस वेक्टर स्पेस का है वो देखो। तो ऑब्वियसली ये सभी 3x3 मैट्रिसेस ही बनेंगे, मैट्रिक्स बी हमारा 3x3 का है, उसको किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करो, अगेन जो भी रहेगा उसका क्यूब पावर 4 कोई भी कर लो, उसको 3x3 ही रहना है हमेशा। उसको प्लस माइनस किसी भी 3x3 के साथ करो, उसको अगेन 3x3 ही रहना है। तो अल्टीमेटली पी ऑफ बी इज गोना बी है 3x3 मैट्रिक्स, तो जो सब मतलब डब्ल्यू जो है वो हमारे 3x3 मैट्रिसेस की जो स्पेस है रियल मैट्रिसेस की, उसका सब स्पेस बनेगा, ठीक। क्योंकि 3x3 मैट्रिसेस तो वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं ऑब्वियस से हमें, अब उसका ये सबसेट है, उसको आपको सब स्पेस शो करना है, देन वी हैव अ सब स्पेस, कंसीडर टू मैट्रिसेस कमिंग फ्रॉम दिस कलेक्शन, यू कैन फर्स्ट शो देयर एडिशन आल्सो बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन, सेकंड यू कैन शो इट इज आल्सो क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और यू कैन कंबाइन दिस बोथ स्टेप्स इन अ सिंगल स्टेप, एंड यू कैन टेक टू वेक्टर्स यानी कि टू मैट्रिसेस, लेट्स से b1 b2, and you can show alpha b1 plus b2 is in this collection, it's easy, simple polynomial algebra आपको use करना है। अगर कुछ doubt लगे उसमें कि कैसे show करना है नहीं हो पा रहा है, we will see in the next class, let me know if you are stuck. So now the question is कि ये जो हमारा W subspace है उसकी dimension क्या रहेगी। अब ऐसे scenario में एक simple चीज़ का observe किया करो कि इसके पीछे logic क्या है, कि आप कहोगे ये तो बहुत सारे मैट्रिसेस रहेंगे बिकॉज कोई भी रैंडम कोई पॉलिनोमियल हम चूज कर सकते हैं, उसमें बी को रखना है, देन इट विल गिव अस एनी मैट्रिक्स, राइट। सो सीम्स लाइक कि यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल भी रहेगा कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालें, अगर होगी तो भी ऐसा लगता है कि माइट बी इन्फिनाइट बिकॉज एज देर आर इन्फिनाइटली मेनी सच पॉलिनोमियल्स, एंड वी आर जस्ट पुटिंग बी देयर गेटिंग करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स पी ऑफ बी एंड वी आर गेटिंग अवर कलेक्शन। बट एक चीज का सोचो, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स के लिए अगर हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो उसको एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल तो हमें मिल ही जाता है, कोई नहीं तो उसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है बाय काइल हैमिल्टन थ्योरम वो तो उस मैट्रिक्स को एनिहिलेट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से भी कम डिग्री का पॉलिनोमियल जो उसको एनिहिलेट करता है, सबसे कम डिग्री का, उसको मिनिमल पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक, वो मोनिक भी। थोड़ा सा सोचो कि हमें एक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल इसका मिल गया है, लेट्स से जो मैट्रिक्स बी है उसका मिनिमल ही ले लेते हैं, मिनिमल पॉलिनोमियल है एम, तो एम ऑफ बी हमें क्या मिलेगा, तो एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, ओके। अब कोई भी पॉलिनोमियल पी ऑफ बी, ये आपने मैट्रिक्स इवेल्युएट किया, कुछ मैट्रिक्स मिलेगा आपको 3x3, ठीक।
पी ऑफ बी एंड पी की गाइस जो डिग्री है वो मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री से सबको ज़्यादा है। मिनिमल पॉलिनोमियल कुछ लेट्स से डिग्री 3 का है यहाँ पे, एंड पी ये जो पॉलिनोमियल है वो कुछ हमारा 3 से ज़्यादा डिग्री का। व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज इस पॉलिनोमियल पी को बाय सिंपल डिवीजन एल्गोरिदम मैं इस मिनिमल पॉलिनोमियल एम से डिवाइड कर सकता हूँ, करेक्ट। एंड फिर उसके बाद क्या होगा, एम टाइम्स सम पॉलिनोमियल पी डैश प्लस सम रिमाइंडर पॉलिनोमियल आर सच दैट ये जो गाइस आर है इसकी डिग्री हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री से स्ट्रिक्टली कम रहेगी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगी, राइट। नाउ डेग आर लेट्स राइट डाउन इज लेस देन डेग एम। अब यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में हम बी को रख लेते हैं, सो क्या मिलेगा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी टाइम्स पी डैश लेट्स यूज सम डिफरेंट सिंबल एन मिला था लेट्स एन बी प्लस आर बी पी एम एन आर दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स लाइक दिस। अब हमें ऑलरेडी पता है कि एम तो मिनिमल पॉलिनोमियल था तो ये क्या हो गया जीरो हो गया एम ऑफ बी। तो पी ऑफ बी देखो ये पूरी टर्म जीरो है, दिस इज इक्वल टू वॉट आर ऑफ बी, राइट। मतलब भले हमें लग रहा है कि हम कोई भी आर्बिट्ररी पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे उसमें मैट्रिक्स बी को रखेंगे, बट अल्टीमेटली वॉट एवर मैट्रिक्स यू आर गेटिंग यू कैन सिंप्लीफाई दैट एक्सप्रेशन इन फॉर्म आर ऑफ बी एंड इस पॉलिनोमियल की डिग्री का इस क्या होने वाले डेगार की सिंपली एम से कम होने वाले, मतलब जो भी हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल। मतलब भले हमें लगता है कि हम बहुत सारे पॉलिनोमियल्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पी बी अलग अलग मैट्राइसिस मिलने के लिए, बट एक्चुअली वी आर जस्ट यूजिंग पॉलिनोमियल्स डिग्री उनकी क्या है मिनिमल पॉलिनोमियल से कम, बस उतने ही पॉलिनोमियल्स में हम मैट्रिक्स बी को हमारा रख रहे हैं एंड वी आर गेटिंग दी फाइनल आउटपुट। तो बेसिकली अब यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल इसका देख लेते हैं क्या आ जाएगा। सिंपल गाइस 3x3 मैट्रिक्स है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स एंड उसके ट्रांसपोज जो रहते हैं दोनों का मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है, तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्यों कर रहा हूँ, आप हम ऐसे भी मिनिमल फाइंड कर सकते थे बट जस्ट सी इसका ट्रांसपोज लेके कुछ इजीली आपको क्लिक हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज किस तरीके से दिखेगा, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे दिखेगा, करेक्ट। अब ये मैट्रिक्स को देख के कुछ चीज़ें याद आती रहेगी आपको कि ये हमारा क्या है, तो कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। कंपेनियन मैट्रिक्स का फॉर्मेट है तो ऐसे मैट्रिसेस के बारे में हमें एक चीज़ पता है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वही इनका मिनिमल पॉलिनोमियल भी रहता है। अब हमें मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड भी नहीं करना है, वी डोंट इवन वॉन्ट मिनिमल पॉलिनोमियल, वी जस्ट नीड द डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल, राइट। सो यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स से कंपेनियन फॉर्म में है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 का रहेगा वही मिनिमल रहेगा डिग्री 3 का। इसका मिनिमल पॉलिनोमियल डिग्री 3 का है यानी कि हम यहाँ पे जो पी बी के लिए जो पॉलिनोमियल्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये वो बेसिकली डिग्री 2 के ही है सब, डिग्री 2 से या फिर उससे कम, 3 या फिर 3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, बिकॉज एनी सच पी ऑफ बी एक्सप्रेशन कैन बी रिड्यूस टू आर ऑफ बी वेयर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर इज लेस देन डिग्री ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल विच इज 3, करेक्ट। सो यहाँ पे होगा क्या कि कोई भी हम बेसिकली डिग्री 2 पॉलिनोमियल में बी को मैट्रिक्स को रख रहे हैं तो अल्टीमेटली जो लीनियर कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं इन चीज़ों का ले रहे हैं आई बी एंड बी स्क्वेयर एनी सच पॉलिनोमियल सी पॉलिनोमियल पी इज ऑफ द फॉर्म ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे ए नॉट ए वन ए टू देर एनी स्केलर्स जो रियल से आ रही है, इसमें अगर मैं बी को पुट करूँ तो ये कैसे दिखेगा, ए नॉट आई प्लस ए वन बी प्लस ए टू बी स्क्वेयर, यानी कि जो हम अलग अलग लीनियर कॉम्बिनेशन से यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो इन तीनों मैट्रिसेस का कर रहे हैं आई बी बी स्क्वेयर। जैसे अलग आप पॉलिनोमियल लोगे कोई तो यहाँ पे उसके स्केलर्स चेंज होंगे ए नॉट ए वन ए टू, सो यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन ही चेंज होगा ना, ए नॉट ए वन ए टू ये ऐसे रहेंगे आई बी बी स्क्वेयर दे आर गोइंग टू स्टे देयर एलवेज। जब हम पॉलिनोमियल चेंज करेंगे तो उनके स्केलर्स जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो चेंज होंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ आई बी बी स्क्वेयर। तो ये तीन एलिमेंट्स है उनका बेसिकली स्पैन हमें क्या मिलेगा, जो हमारा गिवन सबस्पेस है वो मिलेगा
तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन 3 होनी चाहिए एग्जैक्टली. नाउ द ऑप्शंस आर लाइक, पता नहीं उन्होंने ऐसे ऑप्शंस क्यों दिए, मे बी टू कंफ्यूज अ बिट. और ये अगर मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है आई गेस, तो जहाँ जहाँ जो भी कंडीशन डी इज इक्वल टू 3 को सेटिस्फाई करेगी वो सही हो जाएगा. तो यहाँ पे सी इज ऑल्सो करेक्ट, डी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, फाइन. डी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, फाइन. सो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे सही आ जाएंगे. एक्चुअली डी की एक फिक्स वैल्यू रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स फिक्स है ना हमारा. सो यहाँ पे एक्चुअली स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर उन्होंने ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, बट ठीक है, जो लिस्ट सही है मतलब लिस्ट गलत है जो हम कह सकते हैं वो यही है सी एंड डी, वही हमारे सही आ जाए. ठीक है, आगे बढ़ते गए. सो जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं अनाउंसमेंट को. जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग 2024 की एग्ज़ाम है उसके लिए हमारा एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, एंड करंटली विथ 30% ऑफ यू कैन अवेल दिस कोर्स विद अ ह्यूज डिस्काउंट. इसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज़ करना है IFAH30 करके. अब इस कोर्स के थोड़े से फीचर्स की बात करते हैं कि क्या आपको मिलने वाला है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका पूरा सिलेबस है वो प्रॉपरली कवर्ड किया गया है वीडियो लेक्चर्स में. जो भी आपके अलग अलग यूनिट्स है, सेक्शन से, उस सेक्शन वाइज वी हैव रिकॉर्ड द कोर्स. एंड उसके साथ साथ हर एक कोर्स को, जो भी आपका वीडियो लेक्चर रहेगा उसका जो PDF फॉर्मेट में हैंडआउट है, ऑनलाइन PDF है, वो वहाँ पे आपको ऐप में मिल जाएगा. उसके साथ साथ हर एक लेक्चर के साथ DPP अटैच की गई है. DPP यानी कि डेली के प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सो दैट एक खास नई कंसेप्ट जब आप सीखोगे तो क्विकली उस कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे. सो दैट यू विल गेट टू नो कि आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट और नॉट. अगर नहीं हो रहे क्वेश्चन सॉल्व तो नेक्स्ट लेक्चर में आप फिर से एक बार उस लेक्चर को देख सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स. जस्ट रिवाइज द लेक्चर, अगेन गो टू द क्वेश्चन एंड ट्राई. देन देयर इज टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज में देखो गाइस, हर एक जो संडे टेस्ट रहते हैं, जिस तरीके से बैचेस कंडक्ट होते हैं उसी तरीके से वो रिकॉर्डेड कोर्स है. तो हर एक संडे टेस्ट वहाँ पे मिलेंगे, एंड पूरा सिलेबस कवर होने के बाद आपको एट द लास्ट पूरे सिलेबस के ऊपर की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी. तो बहुत बढ़िया पैकेज है, एंड इफ़ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ बेसिस, अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द बेसिस ऑफ गिवन सबस्पेस. अब यहाँ पे मेन वेक्टर स्पेस हमारी 2x2 रियल मैट्रिसेस की है, उस का हमें एक सबस्पेस दिया है W, उसकी डायमेंशन पूछी है. अगेन जिस तरीके से हम बेसिस को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे पास गाइस एक डिस्क्रिप्शन आता है उसके, एक जनरलाइज एलिमेंट. जैसे यहाँ पे जनरलाइज एलिमेंट क्या है, तो ये मैट्रिक्स जो है XY0T, मतलब हमारे जो वेक्टर स्पेस सब स्पेस के एलिमेंट्स है वो इस पैटर्न के है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस 2x2 अलोंग विद फ्यू मोर कंडीशंस. वो कंडीशंस क्या है, तो X+2Y+T 0, Y+2 इक्वल टू 0, ये दो कंडीशंस भी इन मैट्रिसेस को सेटिस्फाई करने पड़ेंगे. करेक्ट. नाउ यूजिंग दिस टू कंडीशंस लेट्स ट्राई टू सी कि कितने इंट्रीज फिर हमारे रिडंडेंट है, कितनों को हम यहाँ से हटा सकते हैं. सिंपल कंडीशंस को अगर हम देखें, व्हाट इज दैट लास्ट कंडीशन, Y+3 इज इक्वल टू 0, Y इज इक्वल टू -3. करेक्ट. नाउ लेट्स मेक दिस सब्स्टिट्यूशन इन अवर फर्स्ट कंडीशन. सो X+2Y इज व्हाट, बेसिकली -Y. करेक्ट, इज इक्वल टू 0. सो दिस इज X+Y इज इक्वल टू 0. सो दिस मीन्स व्हाट, X इज इक्वल टू -Y. राइट. तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई है, ये भी है कंडीशन है. इसका जो जनरल एलिमेंट है वो कैसे दिखता है, XY0T विच इज इक्वल टू, X को X से रखते हैं, Y को वी कैन राइट एज -X, मैं Y को यहाँ पे -X लिख रहा हूँ, एंड देन T इज बेसिकली व्हाट, -Y. राइट, एंड Y इज बेसिकली व्हाट, -X. तो T इज बेसिकली X एंड दिस इज 0. अगर हम देखें तो यहाँ पे चार टर्म्स है, एक तो 0 है, फिक्स रहेगा हमेशा. एंड द मोमेंट यू गेट टू नो दिस A11 एंट्री,
you are easily getting a1 2 and a2 2 as well, because a1 2 is what minus x, a2 2 is what same as x. तो a की एंट्री यहाँ पे हमारी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका डायमेंशन गाइस क्या हो गया, 1 हो गया. तो यहाँ पे ऑप्शन ए ऑप्शन बी ये तो हमारे वहां से ही डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि उनकी जो बेसिस दिए उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो होगा नहीं. सी में देखो जो बेसिस एलिमेंट है वो खुद हमारे इस वेक्टर स्पेस का एलिमेंट नहीं है, सब स्पेस का, और इट इज नॉट इवन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया, तो एक ही बचेगा डी. एंड ऑफकोर्स दैट डी मैट्रिक्स दैट सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन एक्स माइनस एक्स एक्स, एक्स का कोई भी वहां पे एक वैल्यू रख लो, बिकॉज दिस इज लाइक एक्स कॉमन लिया हमने, वन माइनस वन जीरो, मतलब इस मैट्रिक्स के सारे मल्टीपल्स हमारे डब्ल्यू में, तो वही हमारा बेसिस बन जाएगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. दिस इज वन इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू वन इम्पोर्टेंट इक्वालिटी विच रिलेट्स द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू एंड डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू. ठीक, सो वॉट इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड वंस. We are given two subspaces W1, W2. Just a minute. ओके, सो यहाँ पे व्हाट वी आर गिवन, टू सबस्पेसेस है हमारे पास, एक डायमेंशन थ्री का है, डब्ल्यू टू डायमेंशन फोर का है, एंड डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू की जो हमारे डायमेंशन है वो फोर एंड सेवन के बीच का कोई तो नंबर है. देन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू कैन, तो डब्ल्यू वन इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू के डायमेंशन के लिए कितने पॉसिबल चॉइसेस हमारे पास बनेंगे वो हम यहाँ पे मेंशन करना. So what is that interesting important equality, dimension of W1 plus dimension of W2 is equal to dimension of W1 plus W2 plus dimension of W1 intersection W2, correct? अब यहाँ पे W1, W2 दोनों की dimension हमारे पास है 3 and 4, so ये LHS हमारा 7 बन जाएगा. W1 प्लस W2 की गाइस जो हमारी डायमेंशन है वो देखो 4 एंड 7 के बीच में, यानी कि ऑफ कोर्स वो इंटीजर रहेगा, तो 5 एंड 6 आर द टू पॉसिबल चॉइसेस. अगर गाइस ये 5 हो गई देन दिस हैज टू बी 2, बिकॉज 5 प्लस 2 देन विल गिव अस 7. अगर ये हमारी 6 हो गई देन द डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 1. सो गिवन द पॉसिबिलिटीज हमारे पास यहाँ पे दो चॉइसेस निकल के आते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 के डायमेंशन के लिए, एंड दे आर 1, 2. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट. ठीक है, आज का सेशन गाइस हमें थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ेगा, कल के लेक्चर को हम और थोड़ा ज़्यादा टाइम समय के लिए लेंगे एंड और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तो आज के लेक्चर में किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी दिक्कत रहेगी तो डेफिनेटली आफ्टर द लेक्चर आप कमेंट बॉक्स में गाइज कमेंट कर लेना कि ये पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आई है, तो हम कल के लेक्चर में उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में ही अगर पॉसिबल है तो डिस्कशन कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक, सो एज यू कैन सी वी हैव अ रियली गुड हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉपर्स, एंड अगर आप भी इस एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर करना चाहते हो and definitely you can connect. Okay, thank you everyone for joining. Have a great day. Happy learning to all of you.